नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे संजय राउत की। जी हां, आपको बता दें कि संजय राउत तो पात्रा चौल घोटाले में जेल से उन्हें फाइनली राहत मिल चुकी है। कल यानी कि बीते यहाँ पर 9 नवंबर को उनकी पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई जमानत याचिका को लेकर, और इसके बाद संजय राउत को जमानत देने का फैसला कोर्ट ने सुनाया। जब से संजय राउत जेल से बाहर आए हैं, लगातार उनके बयानों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि संजय राउत मातोश्री पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर एक बात साफ कर चुके हैं कि शिवसेना से वो कहीं नहीं जाने वाले। आपको बता दें कि संजय राउत से उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, फोन पर काफी ज्यादा भावुक वो नजर आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जिन्होंने जो साजिश की है उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर मुझे जेल भेजकर वो लोग खुश हैं तो उनके खुशी को रहने दो। इस तरह की बात संजय राउत कहते हुए यहां पर नजर आए। यहां पर उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही हैं केंद्र सरकार को लेकर, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। ऐसा क्या कुछ कहा है संजय राउत ने जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मचना तय हो गया है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है जी। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी ना देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, हमको एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य टिलक मंडाले में 6 साल से ज्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी ना कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का, और जेल भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं देखिए, अगर किसी को भी गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो गलती हो, वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है, लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, बढ़ गया। सर, आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरी परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद। फिलहाल के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।